अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां नक्सली नेता बदलाव और न्याय के नाम पर धन उगाही करते हैं और इसके लिए अपने कैंडरों का शोषण करने से भी नहीं चूकते हैं। कई नक्सली नेता अपने लिए बड़े बड़े मकान, गाड़ी और संपत्ति खड़ा कर चुके हैं और अपने दस्ता सदस्य को दो टाइम खाना भी नसीब नहीं होने देते। यह कहानी बिहार के छकरबंधा वन क्षेत्र में सक्रिय नक्सली संगठन में आम है। इससे सक्रिय नक्सली कैंडरों में असंतोष की भावना घर कर गई है। इसके ऊपर एसएसबी तथा अन्य केंद्रीय बल और बिहार पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान के कारण नक्सली जिंदगी असुरक्षित है और दिन रात जंगल में भटकते रहने को मजबूर है। माओवादी नक्सली संगठन अपने सिद्धांत से पूरी तरह भटक गया है एवं वर्तमान में लूट, खरसोट एवं शोषण का अड्डा बनकर रह गया है। 7 जून 2022 को संगठन में रहते हुए इसकी शादी हुई। यह संगठन में नहीं रहना चाहता था, अतः 16 जून को संगठन से भागने में कामयाब हो गया तथा भागकर कांकेर छत्तीसगढ़ में दोस्त के पास जाकर मजदूरी करने लगा। वहीं से लक्ष्मीकांत पासवान ने नक्सली संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सशस्त्र सीमा बल समवाय बीबी पेसरा के कंपनी कमांडेंट रणवीर कुमार सहायक कमांडेंट के जरिए सीएसके गुप्ता कुमाऊनी सशस्त्र सीमा बल पर किया आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। सीमा बल, बिहार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए तरीके से आश्वासन समाज का मुख्य धारा में अष्टमी का निर्णय लिया गया और आज पर आपके समक्ष उपस्थित थे। इससे हिम्मत दिखाकर नक्सली संगठन को छोड़ दिया और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उपस्थित हो गया। बोलना चाहूँगा कि मैं 2018 में 23 जनवरी को पार्टी में ज्वाइन किया था। मैं कोई समस्या के कारण बस किया था, तो हमको घर से बुला अति खबर भेजे थे संजीत जी कि आप आइए, हम जो आपका समस्या घरेलू समस्या है वो हम धीरे धीरे करके हल कर देंगे। तो उस समस्या के लिए हम गए तो समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। मेरा अति समस्या वही था कि मेरा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया गया था पहले, तो मैं 6 महीने तक रहा वहाँ। फिर उसके बाद में उनको फिर बोले कि हमारा समस्या का क्या हुआ, यहाँ हल होगा कि नहीं होगा, से हाँ या ना कब जवाब दीजिए। तो बोले कि होगा, से बरसात आने दो, से हम लोग कर देंगे बातचीत करके। फिर उन लोग कुछ नहीं किए, फिर हम वहाँ से कोशिश कर रहे थे आने के लिए ही, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। तो फिर हम चल गए 3 साल। 7 जून को मैं शादी किया था, तो फिर 7 जून के शादी करने के बाद मैं 15 जून को फिर वापस गए पार्टी में। 15 जून के वापस गेने के बाद फिर हम वापस आ गए, वहाँ से बाहर चल गए, बाहर गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मैं संपर्क किया इधर यहाँ कि मैं आना चाह रहा हूँ सर से, क्या है। तो इन लोग बोले कि सर आ जाओ, से कोई दिक्कत ना होगा, हम लोग साथ देंगे तुम्हारा। फिर हम वही काम किए आ गए उधर से। यहाँ बढ़िया ही है, जो भी वहाँ पर थी उन लोग का थी जो है कि जनता के लेकर के हम अथी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग वैसा नहीं, आपस में ही अथी कर रहे हैं पैसे के लेकर के। जब संदीप यादव का निधन हुआ तो उनको अथी भी कुछ भी जान भी नहीं गई, और उसका बहुत पहले ही जो भी पैसा था और उनका क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह मोबाइल और पैसा, तो उन लोग अपना रिकवर करने लगे, सोहन जी और वहाँ पर जो भी लीडर रैंक का थे उन लोग। तो फिर यही सोच करके हम लोग चल दिए कि यहाँ अब कुछ नहीं रहा है, से अभी इन लोग पैसे के लिए ही आपस में झमेला कर रहे हैं, तो फिर हम चल दिए। किस तरह का काम वहाँ पे करते थे? हम वहाँ पे चावल ओवल लाने का काम करते थे साथ में, जब कमांडर डिपोट होता था ना कि जाओ से खाल सामग्री वहाँ से फलना जगह से लेकर के आना है, तो उनका साथ में हम जाते थे। तो क्या खरीद के लाते थे या कहीं और कहीं से दबिश देते? ना, खरीद के सब आता था। अच्छा, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट थे? हम ये सब सामान वामान लाने में ही एक्सपर्ट थे। शादी कब किए थे आप? 7 जून को शादी। 7 जून किस साल? इसी साल। आईडी हाँ, आईडी का भी काम करते हैं। कितना जल्दी आप आईडी को प्लांट करते हैं? वो ऐसा प्लांट वाला नहीं, अति जो प्रेशर वाला है ना, उसी को अति करते थे। कहाँ कहाँ किए हैं? जंगल में ही, बहुत सर जंगल में लगा हुआ है। ऐसा कभी आपको महसूस हुआ था कि हमारे हाथों से कितने निर्दोष लोग, बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है, ऐसा कुछ हुआ था महसूस?
वैसे तो हुआ था, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग का ऊपर का आदेश देते थे तब उन लोग का मानना ही पड़ता था। संदीप जी से किस तरह का मदद, वो किस तरह के मदद का आश्वासन दिए थे पार्टी से जुड़े थे? संजीव जी ये जो है ना, संजीव पूर्व सागर, तो वो बोले थे कि यही समस्या है तुम्हारा, तो हम समस्या का बातचीत करके तुम्हारा हल कर लेंगे। समस्या तो बोल के गए ना कि हमारा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया था। किनके द्वारा किया गया था? ये जो मेरा साला लगे वही से हत्या कर दिया था। अपना साला हत्या कर दिया? साला क्या करते थे आपके? वो घर पे ही रहता था। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मीकांत पासवान। अब आप क्या करेंगे, आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का मैं यही, मैं अपना खेतीबाड़ी है तो खेतीबाड़ी करने के लिए सोच रहा हूँ। पढ़ाई कितना तक की है? 8वीं तक की है। किस स्कूल से की है? मिडिल स्कूल से। किस स्कूल? पकरीगुरिया। छत्तीसगढ़ में रखे क्या किए? छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ क्या किए? छत्तीसगढ़ में मेरा दोस्त था, वहाँ पानी टंकी बनता था, उसमें मेरे को बुलाए थे कि आओ यहाँ, फिर यहाँ से फिर चला जाना जहाँ जाना। वहाँ क्या काम किए छत्तीसगढ़ में? वो पानी टंकी बन रहा था सर। उसे क्या काम किए पानी टंकी? ऐसी लग हेल्पारी कर रहे थे और काम को मालूम नहीं था, काम हम पूछो तुम्हारे घर पर काम जी। वहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए? कोई ट्रेनिंग मिली वहाँ? नहीं 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 नहीं। मध्य जोन के लक्ष्मीकांत पासवान, उन्होंने आज यहाँ पे सरेंडर किया है हथियार और गोली के साथ। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत पासवान उर्फ अमृत है, इनकी उम्र 21 वर्ष है और पिता का नाम गणेश पासवान है। रहने वाले कोठीवा थाना लुटुआ के, और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो चक्करबंदा एरिया था। और इन्होंने जो संगठन ज्वाइन किया था वो जनवरी 2018 में ज्वाइन किया था। फिर इनको एक प्रलोभन देकर ज्वाइन किया गया था कि उसकी जो भी फैमिली की समस्या है उसको सॉल्व कर दिया जाए, इनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, पैसा दिया जाएगा। तो वहाँ पे रहे, उन्होंने काम भी किया नीचे संगठन के साथ, और आईडी एक्सपर्ट थे वो, आईडी जो प्रेशर आईडी जो कराते थे वो लगाने का काम करता था वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कुछ घटनाएँ जो हुई 2018 से लेकर 2020 तक गया जिला अंतर्गत, जिसमें डुमरिया में दो घटनाएँ हुई जिसमें एक सामुदायिक भवन को उड़ाया गया और एक इनकाउंटर हुआ था, और एक लुटुआ में एक इनकाउंटर हुआ था 2019 में जिसमें एक नक्सली जो मारा गया था। तो तीनों घटनाओं में लक्ष्मीकांत पासवान जो है वो शामिल है, नेम डेटेड। इसके अलावा इनके ऊपर औरंगाबाद में 5 केसेस हैं जिसमें ये, तो इन्होंने जून 22 इसी साल जो है संगठन को छोड़ दिया था, क्योंकि इनको ये एहसास हुआ कि जिस तरीके से शोषण किया जाता है लोगों को उसमें ले जाकर, उनकी फैमिली किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं की जाती, और जो ऊपर के लोग हैं वो अपना ही पैसा जो है अपनी हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं। तो फिर इनको ये एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और ये मुख्य धारा से इन्होंने जुड़ने का जो है मन बनाया है। कुछ टाइम छत्तीसगढ़ गया, वहाँ पे कुछ मजदूरी का काम अपने दोस्त के पास रहकर किया। फिर इनको ये जानकारी हुई कि अगर हम मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो सरकार की क्या योजनाएं हैं जिसमें हमको हेल्प मिल सकती है आगे के रोजगार के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे जो है 29 बटालियन एसएसपी के साथ संपर्क किया है साथ के साथ, तो बताया कि हम आना चाहते हैं। तो उसी में फिर इनको बताया गया कि आप आ जाइए, और आज ही सरेंडर कर रहे हैं जिसमें सरकार की जो योजना है, जो मध्यम और निम्न जो रैंक के रहते हैं तो उसमें उनके लिए 2.5 लाख का है जो देते हैं, और जो इनके बैंक अकाउंट में जाएगा 3 साल तक इनके बैंक अकाउंट में रहेगा, उसके बाद इनको मिलेगा। और इनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, ताकि आप इस कोई रोज़गार करने के लिए सक्षम हो सकें, तो उसके लिए भी सरकार जो 6,000 पर मंथ के हिसाब से 36 मंथ के लिए इनको भत्ता देती है, तो वो भी इनको दिया जाएगा। और आज सरेंडर क्योंकि कर रहे हैं इसके लिए जिला पुलिस की तरफ से तत्काल जो है इनको 15,000 रुपया कैश जो है दिया गया। तो मेरा यही कहना है आप लोगों के लिए कि और भी जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जो है उसको छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे क्या है कि उनका आगे पुनर्वास हो सकता है, उनकी फैमिलीज का ध्यान रखा जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के लिए भत्ता दिया जाएगा। तो और भी जो लोग हैं वो संगठन को जोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें। और संगठन बड़ी खुशी के दिन है कि एक हमारा नक्सल लक्ष्मीकांत पासवान जो कि युवा है, 31 ईयर्स एज है सिर्फ, तो आज हमारे सामने एसएसपी मैडम के सामने और जो भी अधिकारी है यहाँ वो जो है सरेंडर किए हैं अपने वेपन के साथ, अमुनिशंस के साथ। तो ये बड़ी खुशी का जो है समय है। हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, कोई भी है, हम बखूबी जानते हैं कि ये जो है हमारे देश के ही बच्चे हैं जो बुले हैं, पटके हैं, गलत लोगों के संगत में आए हैं,
गलत चीज़ें जो इनको सिखाया गया है, इसलिए जो है ये लोग फंसे हुए थे नक्सल के चुंगल में। तो आज इसने बहुत समझदारी का काम किया, इसने जो है उस संगठन को छोड़ दिए और नेशनल मेन स्ट्रीम में जो है आम धारा में शामिल होके इसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी जो है अपने लिए हासिल किए कि वो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक के तौर पर जो है आज़ाद हवा में जिएंगे और देश की उन्नति और तरक्की में काम करेंगे। जैसे अभी SSP मैडम ने बताया कि भारत बिहार सरकार का एक बहुत ही सुंदर जो है पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, उसके मुताबिक उसको कई चीज़ों का लाभ मिलेगा और उसको जो है नए सिरे से अपना एक अच्छा ज़िंदगी बिताने का जो है एक मौका मिला है। तो मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक नक्सल का सवाल है, आप लोग जानते हैं एक ज़माना था चक्रबंदा फॉरेस्ट, ये जो है नक्सल समझते थे कि ये तो ना टूटने वाला इनका किला है, आज वो किला जो है ध्वस्त हो चुका है। और इसमें जो है SSP मैडम के निगरानी में जो लोकल पुलिस है, CRPF है, SSB है, कोबरा है, हम सब जो है बिल्कुल एकदम एकजुट होके सभी एक ही पेच पे होके जो है काम कर रहा है। इसका नतीजा है कि आज चक्रबंदा फॉरेस्ट जो है खाली है, वहाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का दबदबा है, और भी जो है जितने भी जो है नक्सल जो बचे खचे हैं वो भी अभी चूहों की तरह एक बिल से दूसरे बिल, दूसरे से तीसरे में घुस रहा है। इनके लिए कोई आगे का कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा अभी SSP मैडम ने भी बहुत सुंदर जो है अपील किए उनको, मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अभी उनके लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है ना। हम सब एकजुट होकर जो है बहुत मेहनत और मशक्कत से लगे हुए हैं इनके पीछे, और हम चाहेंगे कि अपने जैसे मैंने पहले बताया ये अपने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, भटके हैं, हम चाहेंगे वो सरेंडर करें, एक नया ज़िंदगी शुरू करें। उसमें हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम जो है जिस काम के लिए यहाँ है वो काम तो हमने करना है, और आने वाले समय में जो सरेंडर नहीं करते उनके लिए जो है बहुत टफ टाइम होगा। उनको समय जो है उनके अंकुल नहीं होगा, समय जो है हमारे अंकुल होगा। तो हम अगेन अपील करना चाहेंगे कि आप सरेंडर करें, नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो, देश की उन्नति और तरक्की में काम करें, एक अच्छा नागरिक के तौर पर जो है जीने की कोशिश करें। ये हमारा अपील है। थैंक यू।